नमस्कार। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के जनपद आगरा से। उत्तर प्रदेश के जनपद आगरा के थाना न्यू आगरा क्षेत्र में साधु की हत्या से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। आगरा मऊ रोड स्थित खंडारी क्षेत्र में साधु की हत्या कर दी गई। साधु की हत्या से क्षेत्रीय लोगों में दहशत का माहौल है। हत्या की जानकारी मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंच गए और पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गए। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के जनपद आगरा से न्यू आगरा थाना क्षेत्र में साधु की हत्या कर दी गई। आगरा मऊ रोड स्थित खंडारी क्षेत्र में साधु की हत्या की गई है। साधु की हत्या से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। हत्या की जानकारी मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए और पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गए हैं। देखिए, न्यू आगरा क्षेत्र के मऊ नाम के एक गांव में एक साधु जैसे आदमी की हत्या की सूचना पुलिस को मॉर्निंग में प्राप्त हुई थी। मौके पर पुलिस और जो हमारा डॉग स्क्वाड है, फील्ड यूनिट है, सब लोग पहुँच गए थे। इसमें कुराड़ी से हत्या करने की न सूचना प्राप्त हुई थी। कुराड़ी जो है वो भी न है बरामद हो गई है। हत्या किस वजह से हुई थी, किसने की थी, इसके भी डिटेल इन्वेस्टिगेशन इसमें की जाएगी। इसमें पहले तो न बॉडी को पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा। कोई लूट का एंगल वगैरह अभी तक कोई लूट का एंगल इसमें नहीं है और इसमें और गहराई से जो है वो विवेचना की जाएगी। आसपास के कुछ लोगों से भी बातचीत की जा रही है कि कौन मिलने वाले लोग यहाँ पे आते थे, किस लिए आते थे। सभी सूचनाओं का संकलन जो है वो किया जा रहा है। ये क्या वाक्य हुआ था यहाँ पे है? क्या वाक्य हुआ यहाँ पे? जी हमारे आगे नहीं हुआ। मैं तो सुबह आता हूँ मंदिर के लिए और मंदिर से लौट रहा मंदिर निकाल रहा तो देख बाबा यहाँ सोच मिली। कल माँ सो रहे चौथरा पे तो मैं आयो तो माँ तो उठ के चले आए और आज यहाँ डेट रही मैंने यहाँ सो कैसे रहेगी कभी घुसा के सोते तो यहाँ आके मैंने देखे तो यहाँ देखी लकड़ियाँ देगी उठ के चला गो फिर भैरों पे गए भैरों पे कह के आए ऐसे। सबसे पहले तुमने देखा ना इनको? हाँ। मेरा नाम नीरज चौधरी। ये बाकी जो हुआ है बाबा की हत्या हुई है इसमें क्या कह सकते हो, क्या कहना चाहोगे? इसमें सब लोगों ने सुबह देखा है तो वैसे तो बाबा की किसी से दुश्मनी नहीं थी और रात को भी लोग गए बाबा से बता रहे हैं कुछ 10-10:30 बजे लोग मिल के गए और सुबह 6:30 बजे हुशियार सिंह जी ने देखा है। उन्होंने सूचना पूरे गाँव को आसपास में दी है। बाबा कब से रह रहे यहाँ पे? बाबा लगभग 30 साल हो गए लगभग रहते हुए। 30 साल पुराना मंदिर है ये? हाँ जी, ये मंदिर तो बहुत पुराना है पर बाबा का जो आगमन हुआ था लगभग 30 साल पहले से और निरंतर यही रह रहे थे। आप कहाँ के निवासी हो? हम तो मऊ से, बराबर में मऊ है, वहाँ पूरा गाँव है अपना मऊ।